Question number five: Swati borrowed rupees forty thousand nine hundred sixty from a bank to buy a piece of land. If the bank charges twelve whole one upon two percent per annum compounded half what amount will she have to pay after one whole one upon two years? Also, find the interest paid by her. आपको क्या बताना है सबसे पहले ये देख लीजिए तो सबसे पहले हमें बताना है क्या कि वॉट अमाउंट तो सबसे पहले तो आप यही लिखो कि सॉल्यूशन में आपको क्या कैलकुलेट करना है अमाउंट कैलकुलेट करना है और क्या करना है कैलकुलेट तो देखो लिखा ऑल्सो फाइंड द इंटरेस्ट तो बैंक का कंपाउंड इंटरेस्ट है, है ना तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कि कितना है गिवन क्या क्या इंफॉर्मेशन है ये क्या चीज है ये प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू रुपीज फोर्टी नाइन सिक्स जीरो ये क्या चीज है ये है रेट रेट कितना दे रखा है ट्वेल्व होल वन अपू परसेंट पर एनम और ये क्या दे रखा है आपको टाइम टाइम कितना दे रखा है होल ठीक है अब देखो इसको थोड़ा ना चेंज कर लेते हैं ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको चेंज करते हैं टू की मल्टीप्लाई ट्वेल्व से करोगे ट्वेंटी फोर प्लस वन तो इसको लिखेंगे ट्वेंटी फाइव अपॉन टू परसेंट पर एनम इसको भी चेंज कर लेते हैं टू वन जे टू प्लस वन थ्री तो थ्री अपॉन टू ईयर्स सबसे पहले निकालना क्या था तो निकालना था अमाउंट अमाउंट का फॉर्मूला आप जानते ही हैं अमाउंट इक्वल्स टू पी ब्रैकेट वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर एन ये अमाउंट का फॉर्मूला आपने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था है ना लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में आपको देखना है यहां लिखा है हाफ ईयरली कंपाउंडेड कैसा हाफ ईयरली जब भी हाफ ईयरली हो तो यहां तो आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां रेट को टू से डिवाइड या आप ये कहो हंड्रेड को टू से मल्टीप्लाई ऐसे आपको टू लिख देना है दोनों साइड अब आपको क्या करना है वैल्यू पुट करनी है बस फॉर्मूले में सीधे तो मैं वही करता हूं क्वल टू का तो इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दे रखा है ट्वेंटी फाइव अपॉन टू फिर अपॉन टू इंटू हंड्रेड फिर ब्रैकेट क्लोज फिर एन होता है टाइम टाइम कितना दे रखा है थ्री अपॉन टू फिर क्या है ये मल्टीप्लाई और फिर क्या है ये टू अब देखो ये टू से तो टू ये जो टू जो यहां लिखा है ना ये डिवाइड में नीचे आ जाएगा ऐसे ठीक है थोड़ा कैलकुलेशन और रिड्यूस कर लेते हैं तो फाइव के टेबल से ये फाइव टाइम्स और फाइव के टेबल से ये ट्वेंटी टाइम्स फाइव के टेबल से ये वन टाइम्स और फाइव फोर जा थोड़ा और सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूं इसको तो आप लिखोगे ऐसे फोर जीरो नाइन सिक्स जीरो ब्रैकेट देखो फोर टू जे एट टू जिक्सटीन तो डिनोमीटर में कितना है वन वन प्लस तो आप लिखोगे सेवनटीन अपॉन सिक्सटीन और पावर कितनी चल रही है पावर है थ्री अब आप जानते हो ये पावर थ्री टाइम्स है तो इसे कितने बार लिखेंगे थ्री टाइम्स तो सेवनटीन अपॉन सिक्सटीन सेवेंटीन अपॉन सिक्सटीन सेवनटीन अपॉन सिक्सटीन क्लियर है मैं क्या करता हूं मुझे मालूम है ये पूरा का पूरा डिविजिबल है सिक्सटीन से तो मैं डायरेक्ट सिक्सटीन से इसको कट करने की कोशिश करता हूं इधर देखो सिक्सटीन से डिवाइड करते हैं किसको को फोर जीरो नाइन सिक्स जीरो को तो सिक्सटीन टू जर्टी टू कितना बचा एट सिक्सटीन फाइव जा एट्टी कितना बचा नाइन और सिक्सटीन जा नाइनटी सिक्स और ये बचा जीरो वो यहां आ जाएगा तो मतलब टू फाइव सिक्स जीरो कटता ठीक है अगेन देखो सिक्सटीन से ये पूरा डिविजिबल है ऐसे मैं इसको कट करता हूं आपको डिवाइड करके दिखा दूं टू फाइव सिक्स जीरो तो सिक्सटीन से करोगे तो सिक्सटीन जा सिक्सटीन फिफ्टीन में से सिक्स गए नाइन बचा और सिक्सटीन सिक्सा नाइनटी सिक्स और ये वन सिक्सटी आता मतलब इसको कट करके वन सिक्स जीरो आया और देखो सिक्सटीन से ये टेन टाइम्स जा रहा है है ना तो देखो ये टेन टाइम्स तो अब आपको क्या करना है सेवेंटीन की मल्टीप्लाई सेवेंटीन से कर लेनी है पहले तो सेवनटीन की मल्टीप्लाई जब सेवनटीन से करेंगे तो सेवन सेवन जब फोर्टी नाइन की नाइन कैरी फोर सेवन वन जब सेवन और फोर इलेवन और इसको सेवन और वन तो नाइन एट टू अब इसकी मल्टीप्लाई इस वाले सेवनटीन से करो सेवन नाइन जिक्सटी थ्री कैरी सिक्स सेवन एट फिफ्टी सिक्स और सिक्स सिक्सटी टू की टू कैरी सिक्स सेवन टू जो सिक्स ट्वेंटी और फिर नाइन एट और टू ठीक है तो कितना आया थ्री नाइन टू इलेवन की वन कैरी वन फिर नाइन और फोर और देखो टेन से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो और पड़ जाएगा मतलब क्या आएगा फोर नाइन वन थ्री और ये टेन की वजह से जीरो और आ जाएगा ये हमारा क्या निकल के आया ये अमाउंट निकल के आया तो अमाउंट तो हमें पता चल गया और क्या पूछा था इसने इंटरेस्ट कितना है, है ना तो इंटरेस्ट क्या होता है सी आई कितना हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू रख देते हैं अमाउंट है फोर नाइन वन थ्री जीरो और प्रिंसिपल कितना है वो ये रहा फोर जीरो नाइन सिक्स जीरो माइनस करोगे तो बचेगा जीरो सेवन वन एट इतना रुपीज ठीक है तो आई होप आपको समझ में आया होगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर